नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे राजगीर जू सफारी के बारे में। देशी विदेशी सैलानियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 191.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी बनकर तैयार हो गया है। 16 फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद राजगीर में पर्यटन स्थल में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। यह जू सफारी सैलानियों के लिए रोमांच से भरा होगा। इसमें दर्शक शेर और बाघ को खुले में विचरण करते हुए, दहाड़ मारते हुए बंद गाड़ी में बैठकर देख सकेंगे। पटना जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी में जाए गए हैं। बंगाल और गुजरात जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। जू सफारी पार्क को स्वर्णगिरी पर्वत और व्यवहारगिरी पर्वत के बीच में घाटी वाले हिस्से में विकसित किया गया है। इसमें 72 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुराना मृग विहार भी समाहित किया गया है। इसमें निम्न वन जंतुओं के घेराव वाले 5 जोन खेज बनाए गए हैं। इसमें कि बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन, चीता एवं सांभर, चिड़ियों के लिए एक एवियरी तथा तितलियों के लिए एक अलग से पार्क बनाया गया है। हर जोन में 30 फीट ऊंचा ग्रिल का घेराव है। इस जोन में डबल एंट्री गेट और 5 रिटायरिंग रूम, पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं बहाल की गई है। जू सफारी में विचरण कर रहे जानवरों को दूर से देखने के लिए वैभवगिरी पर्वत पर माइक्रो टेलीस्कोप लगाए गए हैं। वहीं प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर, ओरिएंटल सेंटर, इंटरप्रेशन सेंटर, ऑडिटोरियम एवं एम्फी थिएटर, बस पड़ाव तथा प्रतीक्षालय और रेस्टोरेंट की सुविधा भी बहाल की गई है। प्रबंधन जोन में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, अस्पताल व लघु अतिथि गृह का भी निर्माण किया गया है। राजगीर जू सफारी में जानवरों के इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल भी बनाए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर बहाल किए गए हैं। यहाँ पर रहने वाले जानवरों के उच्च स्तरीय इलाज होगा। जानवरों की मृत्यु होने पर वहाँ पे पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ यहाँ के निदेशक, उप निदेशक, फॉरेस्ट ऑफिसर, वन कर्मियों समेत यहाँ नियुक्त सभी लोगों के लिए आवास का निर्माण कार्य एवं टिकट काउंटर पर बैठने वालों के लिए स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जंगल या फिर प्रकृति सौंदर्य से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जू सफारी से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। पर्यटन सीजन में यहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस जू सफारी में सालों भर पर्यटक आएंगे। इससे यहां पर रोजगार के अवसर तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ हम जो है पर्यटकों की संख्या में भी जो है बिहार आगे बढ़ेगा। पटना जू सफारी में लाए गए जानवरों में अगर हम देखें तो सांभर की 8 संख्या है, हॉग डियर भी जो है 8 लाए गए हैं, भौंकने वाले हिरन जो है उसकी भी संख्या 8 है, ब्लैक बग की अगर हम बात कर ले तो इसकी भी संख्या 4 है, तेंदुआ 2, भालू 2, बाघ 2, शेर 1, इतनी संख्या में जो है जानवर राजगीर जू सफारी में लाए गए हैं। राजगीर जो है एक तरह से कहते हैं बिहार में पर्यटन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। छुट्टियों के समय में यहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। ऐसे में स्काई ब्रिज हो या फिर अब जो नया खुलने वाला जू सफारी है, यह लोगों को बीच में जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।